हे गाइस इट्स मी अंश और आज की वीडियो में आप सबके लिए लेके आ गया हूँ माइक्रोमैक्स IN नोट 1 का एक फुल इन डेप्थ कैमरा रिव्यू। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो में सैंपल्स दिखा रहा हूँ ये सारे ही कॉपीराइटेड सैंपल्स हैं। अगर आप लोग इनको यूट्यूब पे यूज़ करते हो तो आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, इसलिए इन सैंपल्स को कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से यूट्यूब पे ना यूज़ करिएगा, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो IN नोट 1 का सबसे पहला हम लोग सैंपल देखते हैं। ये एक डे लाइट शॉट है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिटेलिंग अच्छी है, बट यहाँ पे बैकग्राउंड में जो बोखे है वो बहुत बेकार है। ये एक पोर्ट्रेट शॉट है जो कि डे लाइट शूट करा गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्लांट के ऊपर जो डिटेलिंग है वो अच्छी आई है, बट फिर भी IN नोट 1 के अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक मेजर इशू है इसके कैमरे में। माइक्रोमैक्स को यहाँ पे UI काफ़ी अच्छी करनी पड़ेगी ताकि इसका जो कैमरा है वो और भी अच्छे से डिटेलिंग कैप्चर कर पाए, अभी इतनी अच्छी डिटेल कैप्चर नहीं कर पा रहा है। आप लोग यहां पर देख सकते हो ये एक डे लाइट शॉट है जो कि मैंने कैप्चर करा था यूजिंग माइक्रोमैक्स IN नोट 1। और यहां पर आप लोग देख सकते हो ये जो डायनेमिक रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है इस शॉट में। और ये जो शॉट है ये 48 मेगापिक्सल मोड से कैप्चर्ड है। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये जो वॉल है इसकी भी डिटेल काफ़ी अच्छी है, जो कि इस फोटो में मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ माइक्रोमैक्स IN नोट 1 से। एंड गाइज ये है एक फ्लोरल शॉट। अब आप लोग देख सकते हो इस फ्लावर की जो कलर है वो ऊपर वाले का पिंक शो कर रहा है और नीचे वाले को वाइट शो कर रहा है। अब ये एक दिक्कत है माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 में, डिटेल अच्छी ले रहा है 48 मेगापिक्सल वाले शॉट में, लेकिन कलर ग्रेड बहुत ज़्यादा बेकार कर रहा है। तो कलर ग्रेडिंग वाला एक इशू है जो कि माइक्रोमैक्स को मुझको लगता है एक अपडेट के थ्रू सॉल्व करना चाहिए अपने कैमरे में। एंड गाइज इस फ़ोन के अंदर आप लोगों को एक मैक्रो सेंसर भी मिल जाता है। अब वो मैक्रो सेंसर मुझको पता नहीं क्यों दिया है यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने, क्योंकि उसको यूज़ करके भाई कोई मतलब खींच नहीं सकते फोटो। ये आप लोग देख सकते हो माइक्रोमैक्स के IN नोट 1 से कैप्चर्ड है यूजिंग मैक्रो सेंसर। मैक्रो सेंसर तो मतलब बेफालतू में डाल रखा है, बस चार कैमरे करने थे इसलिए। माइक्रोमैक्स अगर तीन सेंसर भी देता तो बेस्ट था, बट यहाँ पे वो जो माइक्रो सेंसर है वो किसी भी यूज़ का नहीं है और इसको फोकस करने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी इसने अच्छे से कैप्चर ही नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए अगर आप लोग माइक्रोमैक्स के IN नोट 1 से मैक्रो शॉट लेना चाहते हो तो। और अब अगर हम लोग बात करें ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट की, तो इसमें तो मैं क्या ही कहूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर है और ऑब्जेक्ट भी फोकस में है, बट इसने फेस को ही ब्लर कर दिया। अब माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इसका जो पोर्ट्रेट सेंसर है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है मैक्रो सेंसर की तरह भी, वो भी यूज़लेस है। तो आप लोग पोर्ट्रेट शॉट्स ना ही खींचो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फेस को ही ब्लर मार दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। गाइज ये एक शॉट है जो कि मुझको अच्छा लगा, इसमें आप लोग देख सकते हो सामने से सन निकल रहा है जिसकी वजह से एक लाइट लीक इफेक्ट बन रहा है, बट लाइट लीक इफेक्ट बनने के बावजूद भी ये जो फोटो है ये आप लोगों की थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड इसका ग्रेडेड लग रहा है और थोड़ा धुंधला धुंधला लग रहा है। ये मुझको पता नहीं माइक्रोमैक्स के सेंसर में दिक्कत है या फिर इनके UI में दिक्कत है, मुझको पता नहीं, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको फिक्स करा जा सकता है। और माइक्रोमैक्स IN नोट 1 में जो सेंसर लगा है वो भी माइक्रोमैक्स ने बताया नहीं कि सोनी का है या फिर सैमसंग का है। गाइज अगेन ये है एक डे लाइट शॉट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कलर कितने ज़्यादा फेड हो गए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आधी फोटो में जो लीव्स हैं वो ग्रीन दिख रही हैं और इस तरफ की लीव्स येलो येलो दिख रही हैं। तो कलर ग्रेडिंग के इसमें बहुत ज़्यादा इशू है जिसको माइक्रोमैक्स को सॉल्व करना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू लग रहा है मुझको ये माइक्रोमैक्स में। गाइज ये है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का नाइट शॉट। अब नाइट शॉट में आप लोग देख सकते हो टोटली इसने मुझको इम्प्रेस कर दिया, बिकॉज नाइट मोड में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिटेल भी है और इमेजेस में काफ़ी अच्छी आप लोगों को शार्पनेस भी है, और उसी के साथ साथ डायनेमिक रेंज तो बेकार है, बट कुछ भी कहो इस नाइट शॉट में बहुत से डिवाइसेस ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं, बट माइक्रोमैक्स इन नोट 1 काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गाइज ये पिक्चर है एक आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन की। अब आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में भी ये जो डिवाइस है ये अच्छे से वर्क कर रहा है, बट इसमें फिर से मुझको एक दिक्कत लग रही है, वो है कलर्स की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कलर्स रिप्रोडक्शन तो अच्छा है, वो मैं नहीं कह रहा, बस कहीं कहीं पर कलर ग्रेड कर रहा है अपने हिसाब से, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए माइक्रोमैक्स को। इसकी UI को और भी ज़्यादा अच्छे से सुधारना चाहिए। यहाँ से देखो मैं इस डिवाइस की बुराई नहीं कर रहा, इंडियन डिवाइस है, मुझको अच्छा लगा,
बट यहाँ पे माइक्रोमैक्स को थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए और उसकी यूआई को और भी ज़्यादा अच्छी बनानी चाहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।